नमस्कार दर्शकों, मैं आदर्श अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरी व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। सितंबर के महीने में तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य, शुक्र और बुध। बुध जो है सितंबर के महीने में दो बार राशि परिवर्तन करेंगे, 4 सितंबर को कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 23 सितंबर को कन्या राशि में अपनी राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव 18 सितंबर को अपनी राशि तुला राशि में आ जाएंगे और सूर्यदेव 16 सितंबर को कन्या राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे। तो ये तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो केतु वहीं पर विराजमान रहेंगे चौथे भाव में कन्या राशि में, राहु मीन राशि में, शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में, मंगल पूरे महीने आपकी राशि में ही गोचर करेंगे और गुरु आपके 12वें भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके कौन कौन से क्षेत्रों पर पड़ने वाला है और सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। हेल्थ के जो मालिक है वो बुधदेव है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी है बुधदेव और बुध जो है धन भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं धन योग बना करके। बुध चौथे भाव की भी मालिक है। स्वास्थ्य के लिहाजा से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगल जो है आपकी राशि में होने के कारण कॉन्फिडेंस को जो है ये हाई कर देते हैं, साथ ही साथ जल्दीबाजी में काम को खराब भी करवा देते हैं और कई बार जो है गलत डिसीजन भी देने का काम करते हैं। लगन भाव में मंगल जब भी विराजमान होते हैं तो ईगो को बढ़ा देते हैं, अहंकार को बढ़ा देते हैं और किसी के साथ विवाद भी करवाने का काम करते हैं, बहस करवाने का काम करते हैं। इसलिए सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना है, बहस किसी के साथ नहीं करना है, शांति बना करके चलना है। धन भाव में बुध का गोचर है, धन देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में आएंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर भी नहीं है। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देंगे। जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, अकाउंट से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए, सीए से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। 23 सितंबर को यही बुध अपनी राशि में कन्या राशि में आएंगे और भद्र नामक राजयोग बनाएंगे जो कि व्यापारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं बुध का जो गोचर है ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है, कैरियर में भी अच्छा सपोर्ट करने का काम बुध करेंगे। और राजयोग में है तो कहीं ना कहीं जो है तीव्र बुद्धि भी रहेगी, दिमाग अच्छा काम करेगा और आय में वृद्धि, धन लाभ भी देने का काम करेंगे। तो बुध जो है आपके लिए बहुत अच्छे हैं और अच्छे लाभ देने का काम सितंबर के महीने में करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्यदेव के बारे में, जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं सूर्यदेव। 16 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटी यात्राओं से भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राओं से भी अच्छा लाभ। और यदि आप ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, कोई भी कागज कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए सबसे बढ़िया है 16 सितंबर तक, 1 सितंबर से 16 सितंबर तक कोई भी काम आप कर सकते हो। भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है, रुके हुए आपके काम भी बनने वाले हैं। और सरकारी लोगों के लिए, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर जो है स्वयं का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बेहतर स्थिति है और कहीं ना कहीं सूर्यदेव लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य 16 सितंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे, केतु के साथ यहाँ पर गोचर करेंगे,
मध्यम परिणाम यहां पर देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, यात्राओं में थोड़ी मोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है 16 सितंबर के बाद, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिजूल की चिंताएं हो सकती हैं, तो फालतू चिंताएं नहीं करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्रदेव के बारे में, शुक्र जो कि पंचम भाव के मालिक है और विदेश भाव के भी मालिक है, नीच राशि में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में नीच के भी होते हैं और शुक्र केतु के साथ विराजमान है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। शुक्र केतु की अवयोग यहाँ पर बनता है, यहाँ पर थोड़ा सावधानी आपको रखना है। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों के लिए उतना समय 18 सितंबर तक नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगेगा। लव लाइफ को लेकर के कोई मन मुटाव हो सकता है, कोई चिंताएं हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं हो सकती है, और थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्त्रियों के साथ संबंध अच्छे रखें, माता के साथ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है, तो माता का भी ख्याल रखना है, और माता के साथ संबंध अच्छे रखें, अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि 18 सितंबर तक शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। फिजूल के खर्चे हो सकते हैं, फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, और किसी न किसी से मन मुटाव हो सकता है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 18 सितंबर को शुक्रदेव जैसे ही अपनी राशि में आएंगे पंचम भाव में, तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान पक्ष के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान सुख के लिए समय अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 18 सितंबर के बाद शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राएं में आपको लाभ मिलेगा 18 सितंबर के बाद। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो 18 सितंबर के बाद का समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मंगल के बारे में बात करें, जो कि आपके लग्न भाव में आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने जो है आपके लग्न भाव में रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जोश देने का काम करते हैं और मन में कहीं ना कहीं युद्ध करवाने का काम करते हैं और ईगो बढ़ा देते हैं, अहंकार बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन मंगल आपके छठे भाव के मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है, जब भी लाभ भाव का मालिक लगन भाव से संबंध बनाता है तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। मंगल आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना करके चलेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से लाभ देंगे, वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम और ससुराल पक्ष से भी अच्छा लाभ देने का काम मंगल करेंगे, तो मंगल की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता देने का काम मंगल करेंगे, तो मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। बात करें देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि कैरियर के भी मालिक है और वैवाहिक जीवन के भी मालिक है, व्यापार के भी मालिक है, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि हम बात करें तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाए, कंप्रोमाइज करके चले, व्यापारिक स्थिति आपके ठीक ठाक रहने वाली है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कैरियर में कोई विशेष अभी बदलाव नहीं करना है सितंबर के महीने में, और यदि करना है तो पहले से आप अच्छे से नौकरी का पता लगा लें या उसके अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आपको चेंजेस करना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कैरियर के लिहाजा से यदि हम देखें तो सितंबर का महीना आपके लिए खास रहेगा, अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव और कुछ ना कुछ सक्सेस आपको देखने को मिल सकती है, ये एक बेहतर स्थिति है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि और कहीं न कहीं राजनीति क्षेत्र में भी अच्छा लगाव आपका बना रहेगा। राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, कहीं न कहीं सरकारी क्षेत्र में या ठेकेदारी में, राजनीति में या आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम, इन क्षेत्रों में अच्छा सक्सेस देने का काम करेंगे सितंबर के महीने में। केतु जो है थोड़ी चिंताएं बढ़ाएंगे, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे, फालतू की टेंशन होगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। केतु की स्थिति उतनी बढ़िया चौथे भाव में नहीं मानी जाती है। बात करें शनि देव के बारे में, जो कि अष्टम भाव के और नवम भाव के मालिक है, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में शनि बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और ये अपनी ही राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में और मूल त्रिकोण के भाव में भी विराजमान है। हालांकि वक्री हैं, इनकी गति थोड़ी बढ़ गई है, डबल गति हो गई है, जो भी ये परिणाम देंगे ये शीघ्र परिणाम देने का काम करेंगे और भाग्य को चमकाने का भी काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो है शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कर्म आपको करना है, मेहनत आपको करना है, सफलता देने का काम शनि करने वाले हैं,
तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी, ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके बढ़िया रहेंगे, गूढ़ ज्ञान या ज्योतिष तंत्र मंत्र आध्यात्म इन क्षेत्रों से भी आपका लगाव बढ़ सकता है और धर्म कर्म में आपकी अच्छी रुचि देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो सितंबर का जो महीना है मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खास है, कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी ये रखना है कि शुक्र देव की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है, स्त्रियों से अच्छे संबंध रखना है, शुक्र के बीज मंत्र का जप करना है, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार शाम के समय जप करें और किसी के साथ बहस ना करें, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और देखा जाए तो अन्य ग्रहों का सपोर्ट आपको पूरी तरह मिल रहा है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।